मध्य प्रदेश के 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही अगले चरण यानी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए यानी स्नातक के लिए एडमिशन की प्रक्रियाएं 5 अगस्त 2020 से शुरू होंगी। 103 कॉलेजों में ऑनलाइन प्रक्रियाएं होंगी और 36 कॉलेजों में ऑफलाइन प्रक्रियाएं होंगी, जिनमें सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था मेरा कि हमने एक पोस्ट डाली थी अपनी कम्युनिटी सेक्शन पे, जहां पर हमने ये पूछा था कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों उनमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उनकी क्या क्या फीस है। ये सारी जानकारी यदि आपको जाननी है तो आप हमें इस पे रिस्पॉन्स करिए। उसमें कई सारे लोगों ने अपना मत दिया कि उनको जानकारी चाहिए, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूट्यूब में ये जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने कॉलेज हैं, उनकी फीस क्या है और कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। इससे सहूलियत ये होगी कि आप अपने मनपसंद कॉलेज को चुन सकेंगे और उनकी वेबसाइट को भी देख सकेंगे जब आपके पास कॉलेज की लिस्ट रहेगी। इसके अलावा उनके कोर्सेज की लिस्ट रहेगी और फीस की रहेगी, तो आप उस हिसाब से चुन भी पाएंगे। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी प्रोसेस बड़ी सिंपल तरीके से बताएंगे। मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो, इसके अलावा आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको जो आना है वो है मध्य प्रदेश के स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 में। तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। जैसे होम पेज आएगा यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर है, कॉर्नर पे इंस्टीट्यूट कोर्स फी आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। ये मध्य प्रदेश अपने आप सेलेक्ट रहेगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप कौन से स्टडी के लिए एडमिशन के लिए कॉलेजेस की जानकारी चाहते हो। मतलब यदि आप ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के लिए चाहते हो, बीसीए बीई बीकॉम कोई भी, तो हायर एजुकेशन कहलाता है। और कोई टेक्निकल आप एजुकेशन करते हैं बीई वगैरह, तो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन। या फिर नर्सिंग करना चाहते हो तो नर्सिंग के लिए, या फिर आप कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स करना चाहते हो उसके लिए आयुष का है। तो अलग अलग इस पे दिया गया है जिसपे आपको करना है अप्लाई या फिर जानकारी देखनी है, तो वो आप इस पे सेलेक्ट करो। तो अभी ग्रेजुएशन के लिए देखना है मान लो, तो ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं, जिस जिले में देखना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के लिए ज्यादातर लोग पढ़ने आते हैं इंदौर में, तो इंदौर यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद इनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी आप जिला सेलेक्ट करिए या फिर कोड पता हो तो कोड। कैसे कोड कैसे पता करना है ये बता देंगे, हालांकि यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन पर दी है इसको इंटर कर देना है। यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर सो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करोगे, आप सो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे सारे कॉलेजेस जो इंदौर में है उनकी लिस्ट हो जाएगी। इसी तरह से जिस आपको जिले में चाहिए उस जिले को सेलेक्ट करेंगे, उस जिले के सारे कॉलेज जो है वेरीफाइड स्टेटस में आ जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जानकारी इंस्टीट्यूट कोड रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, कैसा है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, वो जानकारी। तो ज्यादातर लोगों को गवर्नमेंट में ही अप्लाई करना चाहिए। एड्रेस भी रहेगा, फोन नंबर भी रहेगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी भी रहेगी, स्कॉलरशिप का नोडल ये, और वेरिफिकेशन स्टेटस यानी एक्टिव है तो वेरीफाइड रहेगा, नहीं एक्टिव है तो वेरीफाइड नहीं रहेगा। अब मान लो उदाहरण के लिए कोई भी कॉलेज जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, मान लो गवर्नमेंट होल्कर साइंस कॉलेज में आपको देखना है या लॉ कॉलेज इंदौर को देखना, तो इसमें जैसे आप सेलेक्ट करोगे या फिर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको उस कॉलेज के सामने जो कोर्स लिखा है इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर उस कॉलेज पे जो जो कोर्स करवाए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, कितनी सीट रहती है ये भी आ जाएगा, कितने साल के कोर्सेस रहते हैं ड्यूरेशन वो भी आ जाएगा, ये पूरी जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी उदाहरण के लिए आपको बीसीए या बी लाइब्रेरी जो भी करना है इसमें आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर फीस वाला कॉर्नर दाएं साइड में आएगा, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए पूरी जानकारी यहाँ आ जाएगी कि फर्स्ट ईयर में आपकी फीस क्या रहेगी एससी के लिए, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर यानी एससी एसटी ओबीसी, जैसे भी इसमें कैटेगरी होती है वो सभी के लिए पूरी तरह से बताया गया है, गर्ल्स एवं बॉयज दोनों के लिए। तो यहाँ पर पूरा बताया, फीस बताया गया और एग्जाम की फीस भी क्या रहेगी। और आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, इसको थोड़ा खिसकाते जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि ओबीसी के लिए भी क्या है, सारी कैटेगरी के लिए यहाँ दिया गया है पूरी तरह से। तो इस तरह से जान सकते हो। इसी तरह दूसरे कॉलेज के बारे में जाना तो गो बैक क्लिक करोगे और उसके यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, तो इस तरह से सारी जानकारी आप देख सकते हो। इस तरह से पूरी डिटेल आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से देख पाओगे। ये वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई है सत्य रूप से। 5 अगस्त से जो रजिस्ट्रेशन चालू होंगे ग्रेजुएशन के लिए, तो वो 5 अगस्त से 20 अगस्त तक रहेंगे। तो आप अच्छे से कॉलेज चुनिए और सभी की वेबसाइट देख लीजिए, उसके बाद आवेदन करिएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करिएगा। इसी तरह की उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो सहपाठी हैं वो भी जानकारी को जान सके, अच्छे कॉलेजों के बारे में जान सके, उनकी फीस क्या है, कोर्सेस क्या है, ये सारी जानकारी जान सकें। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।